अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कढ़ाई। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन ली है मैंने, 1 केजी चिकन है मेरे पास। ये अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेके मैंने इसको जूलियन कट कर लिया है। 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं और ये 3 बड़ी हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने काट लिया है। 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई है, 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 पाव दही है, 1/2 कप तेल है, और 1 पैकेट ये क्रीम का है 200 ml का। तो ये चीज़ें जाएंगी इसमें। तो चलें इसको फिर बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है 1/2 कप, थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। चिकन को इसमें जब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर व्हाइट ना हो जाए। और ये नमक भी मैं अभी शामिल कर रही हूँ। मैंने चिकन को फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया और उसको तेज आंच पे ही करते हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। ये कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। भुनेंगे हरी मिर्ची डाल के इसको, ताकि चिकन में हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का टेस्ट अच्छा सा उसमें शामिल हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची शामिल करने के बाद 2-3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, 3-4 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है हरी मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद। अब ये दही शामिल कर रही हूँ इसमें, और दही को मैंने फेंट दिया है। 1 केजी में 1 पाव दही जाता है इसमें। अच्छा, शुरू में आज मैंने तेज़ रखी थी और अब आज थोड़ी सी मैंने कम कर दी है इसकी, और अब मैं इसको भुनाई करूँगी। इसका दही डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी। फिर थोड़ी सी आंच मैंने तेज कर दी है इसकी। अब ये दही का पानी खुश्क करना है इसका। अच्छा, इसको मैंने मिक्स कर दिया दही के साथ। इसको कवर कर रही हूँ 8 से 10 मिनट के लिए, और आंच हल्की कर रही हूँ मैं इसकी, ताकि चिकन भी गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए दही। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 8 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, हमें चेक करती हूँ इसको। चिकन का पानी भी खुश्क हो गया दही का। अब इसमें मैं क्रीम शामिल करूंगी। ये मैंने पूरा 1 पैकेट डाला है इसमें, 200 ml का। मिक्स करेंगे इसको।
अभी इसमें ये काली मिर्च डाल रही हूँ और ये हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ और आज बिल्कुल हल्की की भी है मैंने इसकी। अच्छा, ये हरी मिर्ची, अदरक और काली मिर्ची डाल दी है मैंने इसमें। अब इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। और 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा, इसको 5 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे कवर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 5 मिनट के लिए इसको मैंने कवर किया था, अब मैं इसको चेक करती हूँ। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी वाइट कढ़ाई तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी वाइट कढ़ाई तैयार हो गई है और ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च बचाई थी तो ये ऊपर से डालना है इसमें, से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और फ्रेश मैंने इसको बनाया है, मैं हमेशा फ्रेश यूज़ करती हूँ। और ये जूलियन कट अदरक है, ये डालूँगी इसमें। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी बनी है ये। मसाले इसमें बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है इसका। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसका क्लोज़ अप लुक दिखाती हूँ आपको।